गुड मॉर्निंग क्लास 12th, वेलकम टू एलएफसीएस ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो इज गोइंग ऑन नाउडेज, थर्ड लेसन डीप वाटर इज बीइंग एक्सप्लेन्ड। इट्स माय एक्सपेक्टेशन दैट अप टू हियर यस्टरडे आई एक्सप्लेन टू यू। I would get to the edge of the pool and be seen। मैं पूल के किनारे तक पहुंच गया और सुरक्षित तो हो गया। इतना है। I bent down, down endlessly। लेकिन फिर ये अपने बता रहे हैं कि मैं नीचे फिर जाता गया। मेरी आंखें खुली, nothing but water with the yellow। जब मेरी आंखें खुलती हैं तो मुझे पानी के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, कुछ भी मैं नहीं देख सकता था। I couldn't see anything else excepting water, means I was seeing all around myself only water, dark water। Then स्टार टेरर साइड मी, मैं बहुत डर गया। टेरर सीज टू मी, टेरर दैट वाज नॉन स्टैंडिंग, और टेरर में कुछ समझ होती नहीं है। टेरर दैट वाज नो कंट्रोल, और टेरर पर जिसका कोई कमांड होता ही नहीं है। Terror that no one can understand, terror कोई भी समझ नहीं सकता। Who has not experienced, किसी को इसका कोई अनुभव नहीं होता, तो इसने क्या किसके पहले इतना रहा होगा। I was shrinking waterward, मैं पानी के नीचे बिल्कुल सिकुड़ गया, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। I was thrilling, thrilling sound. Thrilling sound underwater। बिल्कुल पानी के नीचे मेरे body part, body organs, my arm, hands and feet stopped working under the water। I felt inactiveness in my body, stimulated with fear, due to fear। Then in the midst of the terror came a touch of vision। पैरालाइज हो गया था बिल्कुल, बाय ड्यू टू फियर। ओनली माय हार्ट वाज बीटिंग एंड आई कुड रियलाइज ओनली दैट आई मे बी अलाइव इन टाइम। देन द मिस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ विजन, उसी भय के बीच टच ऑफ विजन, एन आइडिया स्ट्रक टू माय माइंड, एक आइडिया स्ट्रक किया। आई मस्ट रिमेम्बर टू जंप, मैं अचानक याद आया कि जंप करूं, तभी मैंने बॉटम पर हिट किया और मैं आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, महसूस हुआ टाइल्स लगा, नीचे की टाइल्स है। माय टोज रीच्ड आउट, आई ग्रैब देम, I jumped with everything, with full strength I jumped up, but jump से कोई difference नहीं हुआ। Water अभी भी मेरे चारों तरफ, मतलब कि मैं ऊपर आ जाऊंगा लेकिन water मेरे चारों तरफ था। मैंने देखा, I look for ropes, ladders, water, beams, nothing but water। देखा कुछ दिख गया है, rope दिख गया, ladder दिख गया है, but nothing was there, only water। I could see only water all around। Stark terror, भय उससे मुझे और भी तेजी से जकड़ लिया। Like a great charge of electricity, इस इलेक्ट्रिसिटी से जकड़ ली, शॉक हो जाए, ठीक तरीके से भय और भी तेजी से मेरे अंदर समाहित हो गया। I shivered with fright, with fear,
भैंस भी उठता हूँ। Just I told him, interested that his arms, legs couldn't move. They were inactive. Rather, also tried to call for help, tried to call her mother, but nothing happened there. Kuch bhi nahi hua. Then, strangely, there was light. Bade aashcharyajanak, very wonderfully. लाइट बन हो गया, नॉलेज आया उसको। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द आउटफुल एलो वाटर, पानी से बाहर आ रहा था। आंखें इसकी एटलीस्ट माई आईज वर, माई नोज वर ऑलमोस्ट आउट, आंख भी बाहर थी और मुंह भी बाहर था, नोज भी इसका बाहर था, पानी के बाहर इतना ऊपर आ गया था। मैंने स्टार्ट किया, थर्ड टाइम मैंने शुरू किया, तीसरी बार, दो बार ऊपर आया नीचे गया, तीसरी बार फिर मैं नीचे गया। किसी ऑर्डर में कोई तीन बार भी आता है, ये भी कहा जाता है। थर्ड टाइम वंस अगेन द राइटर बिगेन टू सिंक इन द वाटर। इसने क्या किया, सक फॉर एयर, हवा के लिए सांसें भरी, ब्रीथ्ड। लेकिन भी पानी आ गया, एलोइस लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो लाइट एलो लाइट दिखाई पड़ रहा था वो समाप्त हो गया। देन ऑल एफर्ट्स, सारे एफर्ट, सारे प्रयास, अटेंशन सब चीज हो गए, मैं आराम से हो गया, मेरे पैर हेड लिम्ब पैर भी काम नहीं कर रहे थे। ब्लैकनेस स्विप्ट ओवर माय ब्रेन, मेरे ब्रेन में ब्लैकनेस आ गई, माई ब्रेन वॉश्ड आउट, नो आइडिया वॉज माई ब्रेन। इट वाइप आउट फियर, टेरर, आई टुक आउट फियर, टेरर फ्रॉम माई माइंड। वाई, बिकॉज जब व्यक्ति अपनी लास्ट पॉइंट पहुंचता है जीवन की लाइफ से बड़ा कुछ भी होता है, फिर वो उनकी तो कोई क्वालिटीज नहीं आती है। देर वॉज, देर इज नो क्वालिटीज, इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, आदमी को शांत हो जाता है, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, नथिंग लेफ्ट देयर फॉर हिम टू बी अफ्रेड, डरने के लिए बचता नहीं। अच्छा है तो दूसरी तो सो जाना, no need to jump, he thought to do, take no action there, अब कुछ ना किया जाए, शांत हो बुलाया जाए, तब ये चलना कि टुकड़ों टलांग स्पेस स्पेस में तैरने के लिए कोई घबराहट नहीं थी। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, अपनी बाहों को देखता है, टेंडर भी सॉफ्ट, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, पानी को देखता है, उसको आर्म में से फील होता है, सॉफ्टनेस वाटर में होता ही होता है, और सोचता फिर अब तो कुछ बचा ही नहीं है, आई हैव टू डाई, सो आई मस्ट गो टू स्लीप, मुझे सो जाना चाहिए। सो कैसे मतलब, आई शुड नॉट थिंक, कंट्रोल टू एनी एक्शन देयर, शुड बी साइलेंट एवरी मोमेंट। I crossed to oblivion and the curtain of life fell. जीवन का पर्दा गिर गया। The next I remember, मुझे याद आया। I remember I was lying on my stomach. तभी मुझे याद आया कि मैं पड़ा हूँ पेट के बल, कहाँ पर, पूल के किनारे, और vomiting means I pouring water from my mouth. Chap जो साथी था, जिसने मुझे फेंका था, वो कह रहा था but I was only pulling, मैं तो सिर्फ पुली कर रहा था, लेकिन फन आपकी तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था। शवल से किसी ने कहा कि डिली डाइड, तो किसी और व्यक्ति ने कहा कि तो मर चुका है, मर गया, बी ऑल राइट नाउ, ठीक है, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, उसे सुरक्षित स्थान पर ले चलते हैं। नाउ प्रिपेयर टू पर्सन विद आंसर्स, थैंक्स, आई विल।